हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर आप दोस्तों वीएन वीडियो एडिटर से आप अपना कोई भी वीडियो एडिट करते हो और आपका वो वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद, मतलब वो वीडियो अपना सेव करने के बाद उस वीडियो की क्वालिटी डाउन होती है, तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वीडियो सेव करते वक्त आप कैसे फुल एचडी के साथ 4K वीडियो कैसे सेव कर सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो एंड में यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से अपनी वीडियो एडिट करते हो तो सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन का न्यू वर्जन आपको ज्वाइन करना है, मतलब आपको उस एप्लीकेशन को सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है। अगर वो एप्लीकेशन अपडेट में आया है तो अपडेट कर लेना है। अगर आप अपडेट करते हो तो उस एप्लीकेशन का आपको न्यू वर्जन ज्वाइन हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती है जिनके मदद से आप अपने वीडियो को ज़्यादा और इम्प्रूव कर सकते हो एडिटिंग करते वक्त। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को अपडेट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी अपडेट करा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वीएन वीडियो एडिटर से अपनी वीडियोस एडिट करते हो तो आप अपने वो वीडियो फुल एचडी के साथ 4K वीडियो कैसे सेव कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर आपको वीएन एप्लीकेशन को ओपन करना है और ऊपर आपको राइट साइड में एक सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, कुछ सेटिंग मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आपको देख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले देख लेना है एक्सपोर्ट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का आपके सामने पैनल खुलकर आ जाएगा, रिजोल्यूशन, FPS या फिर बिटरेट, इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोर्ट ओरिजिनल। तो दोस्तों अगर आपने इसको टिक करा है तो ये आपको ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर आप इस पर टिक करोगे तो आपका वीडियो जो है कि बिल्कुल ओरिजिनल यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ पर जैसी क्वालिटी वीडियो की है उसी क्वालिटी में आपका वो वीडियो सेव हो जाएगा। तो उसके बाद आपको रिजोल्यूशन का जो ऑप्शन मिल रहा है, तो दोस्तों ये जो आपको रिजोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पर, तो ये आपको 1080p पे आपको रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी वीडियो की क्वालिटी हाई हो जाती है। अगर आपका 720p पर है तो आपको 1080 पर कर देना है। अगर दोस्तों आपका मोबाइल अच्छी क्वालिटी का है, ज़्यादा प्रोसेसर का या फिर ज़्यादा रैम का है, तो उसके आपके मोबाइल में ज़्यादा भी यहाँ पर उसकी क्वालिटी दिखा सकता है, तो आपको उस क्वालिटी को ज्वाइन करना है। आपके मोबाइल में जितनी ज़्यादा क्वालिटी दिखाता है तो उस क्वालिटी को आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। ये होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है FPS, तो इसको आपको एकदम हाई ऐसे कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ये भी जो ऑप्शन है, तो दोस्तों ये ऑप्शन जो आपके जो वीडियो में जो पिक्सल होती है तो उसको ये हाई कर देता है। अगर आपका ये ऑप्शन कम हो जाता है तो आपके मोबाइल आपके जो वीडियो की पिक्सल है उसको डाउन कर देता है, उसकी वजह से आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखता है। तो इसे आपको क्या करना है, फुल हाई ऐसे कर देना है। ये करने के बाद आपको बिट रेट देख रहा है, तो दोस्तों ये बिट रेट जो ऑप्शन है ये आपको लो भी नहीं रखना या फिर डिफॉल्ट भी नहीं रखना, बल्कि इसको भी आपको हाई ऐसे कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक यहाँ पर आपको बैक आना है, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको प्रीव्यू परफॉर्मेंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दो मिल जाते हैं आपको, कंपैरिजन क्रिटिकल रिजोल्यूशन, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद उस पर आपको क्लिक करने के बाद 1080p पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका मोबाइल अच्छा है, ज़्यादा रैम का है, तो उसके आपके मोबाइल में यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब ज़्यादा क्वालिटी का आपको और ऑप्शन नंबर मिल जाते हैं, तो उसको आपको ज्वाइन करना है अगर आपके मोबाइल में है। अगर नहीं है तो आपको 1080p को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बैक आना है, फिर आपको सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सबसे हाई वाला जो नंबर है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे 120fps ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर से आना है बैक। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर एक मेरा वीडियो एक्सपोर्ट करके बताता हूँ कि किस तरह से मेरा वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट होता है। तो दोस्तों जैसे कि मेरा ये वीडियो है, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, और दोस्तों आपने अभी जो सेटिंग की है, तो दोस्तों ये जो आपने यहाँ पर ऑप्शन भरे हैं, तो दोस्तों ये जो आपने भरे वही आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पर कोई भी और छेड़छाड़ी नहीं करनी, आपके मोबाइल की जो आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है उस तरह से हाई हो जाएगी जैसे आपने यहाँ पर सेट करके रखा है। तो आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए सीधे राइट पर क्लिक कर देना है, आपका वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के साथ आपने गैलरी में सेव होकर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपके लिए ऐसी यूज़फुल वीडियोस लेकर आता हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।